variables. Let us start with lines and angles. This revision test involves lines and angles, Piron's formula, and statistics, right? So we are going to start with lines and angles, chapter number 6 of your book. चलिए, as I have told you already that this time definitions, basic terms, they are equally important. I told you to change your seat, but still you are sitting there. Definitions, terms, they are equally important because any definition can be converted into assertion reasoning. Any definition can be there in the case study. So accordingly, you have to do the revision. So let us start with the basic terms and definitions of the chapter lines and angles. We started with the definition of line. Anji ji, define line. If a line starts from a point, to fit the line ka end point ho gaya. Anshya. Collection of points which can be extended to any of the direction is known as line. That means it doesn't have any definite length. Iski koi definite length nahi hoti aur iska koi end point bhi nahi hota. Theek hai? Chaliye. Then we have done line segment. Nivneet, define line segment. इट हैज टू एंड पॉइंट्स. लाइन का एक छोटा सा हिस्सा जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और जिसकी लेंथ एक फिक्स्ड लेंथ के बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. पार्ट ऑफ लाइन हैविंग द डेफिनेट लेंथ एंड हैविंग टू एंड पॉइंट्स नोन एज लाइन सेगमेंट. देन वी डिड रे. हां जी गुरपाल सिंह जी, डिफाइन रे. Ray has only one endpoint and it can be extended to only one side. जैसे कि जो सूरज से किरणें निकलती हैं, उनका end point sun itself. पता ही नहीं चलता end कहाँ हो रही है ना? So this is called ray. And when the two rays they are passing through the common point, that becomes an angle. Angle is combination of two rays having the same starting point. जब दो रेस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाता है, देन द फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एंगल, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स. देन वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ लाइंस भी करेंगे, पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स में सेवंथ एट में जो भी हमने सीखा उससे स्टार्ट करते हुए हमने नई टाइप भी की थी कुछ. एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, देन complementary, supplementary, वो बाद में करवाते हैं, वो पेयर में आते हैं ना, पेयर वाले बाद में करवाते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आते हैं. हाँ चलो पहले ये डिस्कस करते हैं. एक्यूट एंगल इज लेस देन 90, मोर देन 0. ऑब्ट्यूस 90 और 180 के बीच में. राइट एंगल एग्जैक्ट 90. स्ट्रेट एंगल 180. कंप्लीट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180, लेस देन 360. दैट मींस व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल, वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 डिग्री. किसी भी एंगल का, ये पूरा गोला जब घूमता है किसी पॉइंट के अराउंड, जब ये पूरा गोला घूमता है, मान लो इतना एंगल हमें दिया हुआ है,
we want to find its reflex, this will be 360 minus this angle. 360 में से इसको माइनस करके हम इसका जो है वो रिफ्लेक्स फाइंड कर पाते हैं। पिज्जा की शेप ये एंगल है, मान लो इसका रिफ्लेक्स निकाल रहा है, 360 में से इसको हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। देन वी डिड द पेयर ऑफ सर्टेन एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वेरी फेमस एंगल, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को पूरा करते हैं, यानी कि एक दूसरे का सम 90 बनाते हैं। इफ वन इज 30 देन अनदर मस्ट बी 60, द सम ऑफ द एंगल्स इफ इट इज 90 देन वी कैन हैव we can call them to be complementary angles. What is the complementary of 120 degree? वाह जी वाह, सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इज 90, तो मैं 120 को कॉम्प्लीमेंट्री फाइन कर रही हूँ। वट अ वेग क्वेश्चन इज दिस, नॉट पॉसिबल। 120 का कैसे कॉम्प्लीमेंट फाइन कर लोगे, 90 जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम ही 90 है, राइट? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस हु सम इज 180 डिग्री, ठीक है। देन वी डिड एडजेसेंट एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंगल्स, बिकॉज इन सो मेनी क्वेश्चंस वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। हाँ जी बेटे, आप ड्रॉइंग कर रहे हो, बैठे ड्रॉइंग का पीरियड है। जब हम घर से चल के स्कूल आ गए फिर भी क्लास में बैठ के हम सुन नहीं रहे, तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि हमारी लर्न करने की चीजों को कितनी को विलिंगनेस है, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स, एक एंगल जहां पे खत्म हुआ दूसरा वहीं पे स्टार्ट हुआ, ए ओ बी, बी ओ सी, तीन चीजें होती हैं जो कि दो एंगल्स को एडजेसेंट बनाती हैं। एक तो उनकी वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, आई एम टेकिंग टू एंगल्स ए ओ बी, अनदर इज बी ओ सी, सो वेरी ऑब्वियस दे आर हैविंग द सेम वर्टेक्स ओ, वन इज वर्टेक्स शुड बी द सेम, सेकंड इज दे शुड हैव वन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म ढूंढने के लिए आप इसके ना जहां पे इसको लिखा ना उसी में से ढूंढो, ओ बी इज द कॉमन आर्म, और जो बाकी की दो आर्म्स हैं दैट मींस AO एंड OC दे शुड लाई ऑन द ऑपोजिट साइड, इधर साइड, इधर ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी कि एक अगर OB के ऊपर है तो दूसरी नीचे है, एक दाएं है तो दूसरी बाएं है, लाइक दिस, ओनली देन द टू एंगल्स दे विल बी कॉल्ड सॉरी एडजेसेंट एंगल्स, तभी हम उनको एडजेसेंट एंगल्स जो है वो कह पाएंगे। अगर मैं एंगल्स आपके सामने, मैंने कहा ए ओ बी एंड ए बी ओ सी दे आर एडजेसेंट, इफ इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए ओ बी एंड बी ओ सी आई एम राइटिंग ए ओ बी एंड ए ओ सी, कैन वी कॉल देम एडजेसेंट, रीजन बीइंग दिस इज अ रीजन, ए ओ सी इज द फुल एंगल, ए ओ बी इज द छोटा एंगल, this is a reason that they are not adjacent. Tanish, can you tell me what is the reason that AOB is not adjacent with AOC? क्या बोलो, सही आप मराठी में बोलो जाए। हाँ कौन कहता है कि ये हाफ है, सही बता रही है लड़की, देखो जरा ध्यान से, कॉमन तो बिल्कुल ठीक है, ईशान भी ठीक कह रहा है, बात ईशान की भी ठीक है, बात उस लड़की की उससे ज्यादा ठीक है, क्या कि वर्टेक्स है कॉमन, कॉमन आर्म भी है, देखो जरा नॉन कॉमन आर्म्स की अगर बात करें ओबी एंड ओसी की, तो ये जो कॉमन आर्म है नॉन कॉमन आर्म्स उसके सेम साइड पे है, कैसे हो जाएंगे नॉन कॉमन आर्म इधर लो और द अप, इधर राइट और द लेफ्ट, या ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं, पड़ोसी के घर में हमारा घर थोड़ी होता है,
क्या? हाँ, अलग अलग होता है। चलिए बस बस बस, नो कमेंट। एक बंदा शुरू होता है, बाकी सारी जनता पीछे पीछे अपनी अपनी विचार देने शुरू कर देती है। चलिए, सो दीज आर द नॉन एडजेसेंट एंगल्स, दे कांट बी रिगार्डेड एज एडजेसेंट बिकॉज़ दे आर नॉन कॉमन आर्म, दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देन वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स, लाइक लीनियर पेयर, आई शुड से लीनियर पेयर। Linear pair angles are always formed when on a straight line a ray falls. जब किसी straight line के ऊपर ray fall करती है, ray आके गिरती है, तब जो आसपास दो angle बनते हैं, they are forming linear pair. Why so? And what is the characteristics of the linear pair angles? Their sum is always equal to 180 degree. They are supplementary. So I am coming to that also, straight line. Next angle type is straight line. अब जब हम straight line angles की बात करते हैं तो naturally वो भी straight line पे ही आएंगे। सिर्फ फर्क यही होता है कि जब linear pair की बात करते हैं तो उसमें maximum दो angles ही हो सकते हैं, but straight line में जितने मर्जी angle आप ray बना बना के लेते हो। शर्त एक है कि इन सबको जब आप ऐड करोगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6, their sum will be 180 degree. When there are more than two angles on a straight line, on a line, we call them as straight line angles. Angles on the straight line and their sum is always 180 degree. But when the number of angle is 2, then we call them to be linear pair. Socks 2 होती हैं, pair में होती हैं, shoes भी 2 ही होते हैं, 3 shoes तो नहीं हम डाल के चलते। उसी तरह से लीनियर पेयर एंगल में भी दो ही एंगल होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब हमने कुछ टाइप ऑफ लाइंस करेंगे जिसपे बेस्ड हमने कुछ एंगल, जो एंगल्स थे वो सीखे थे। सबसे पहले तो बड़ी मशहूर लाइन दो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की जब हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस वी गॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वैसे तो हमारे सिलेबस में इसका प्रूफ भी है, दैट प्रूफ दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यू डू दैट प्रूफ, वी डोंट नो कि किस तरह से उसको फ्रेम करेंगे क्वेश्चन में, प्रूफ कैसे फ्रेम होंगे अभी तक नहीं पता। कुछ भी डाला जा सकता है, किसी तरह से उसको मोल्ड कर देंगे। चलो एनी हाउ, आप करके रखो अपना प्रूफ। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन केस ऑफ intersecting lines, they are always equal. आमने सामने के angles, vertically opposite angles. जैसे अंशिया is sitting adjacent to हर्षित and I am standing opposite to हर्षित। वैसे भी हर्षित की सोच हम मेरे से मिलती नहीं है, मैं कहती हूँ पढ़ लो, हर्षित कहता क्यों, किसके लिए पढ़े, है ना? अपने लिए पढ़ना होता है बेटे, दुनिया के लिए नहीं। क्योंकि कल को हम जब हमने कमाना है, तो जब हम बड़े हो जाएंगे, हमने खुद कमाना है तो किसी ने हमें पैसे नहीं देने आना, हमें खुद कमाना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। क्या भगवान ने इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दी है, थोड़ा पढ़ लिख के कितने जज उज बनो, कि हमें भी कोई प्राउड हो कि हमने हर्षित को पढ़ाया था। हर वक्त बस इधर उधर की बातें। चलिए, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर आमने सामने के एंगल्स, ठीक होगी बात। बट इन केस ऑफ वर्टिकली सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने से पहले तो लाइन आई थी कि नहीं? इंटरसेक्टिंग लाइन में एक लाइन भी तो है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हमारे पास लीनियर पेयर भी हमेशा होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, 1, 3 दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, 3, 2 आर लीनियर पेयर, 2 and 4 दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग लीनियर पेयर। In case of intersecting lines, we can have only vertically opposite angle. This is assertion. And reason is making the intersecting line and saying in case of intersecting lines, we can have only a type of vertically opposite angles. This is assertion. And the reason is that in case of
intersecting lines 1 and 2, they are forming linear pair of vectors. Batao. Assumption is false. Reason is true. आप उल्टा बोल रहे हो, है ना? आपको लगता है लीनियर पेयर, मैंने बाद में लीनियर पेयर बोला, सॉरी 2 and 3, आप बहुत ध्यान से सुनते हो, जैसे जिया ध्यान से सुनती है वैसे ही गुरपाल. चलिए, सो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ गए और साथ ही लीनियर पेयर भी आके हमारे पास बैठ गए. इंटरसेक्टिंग लाइंस कितने पॉइंट्स पे मीट करती हैं? एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, दो एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट कर ही नहीं सकती. एंड थ्रू वन पॉइंट देयर कैन हैव वी कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, बहुत सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते. चलिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस धीरे धीरे इनमें लड़ाई हो रही है, ये मिलना छोड़ रही है, थोड़ा थोड़ा दूर जा रही है. नहीं, अभी पैरेलल नहीं बनी, अभी इतना कहीं दूर गई. व्हाट काइंड ऑफ लाइन दीज आर, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, नहीं अदरवाइज एक्सटेंड करके तो एक कंडीशन हो गई ना. अच्छा, वी यूज टू कॉल देम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. एक्सटेंड करके जरूर हो जाएंगी बट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट आएगा. वैसे अंशिया की बात ठीक भी है कि इनको कभी मिला देंगे, अगर ये कहीं मिल जाती हैं तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी. देखने में नॉन इंटरसेक्टिंग लग रही है, नहीं मिल रही. ठीक है, अभी मतलब अंदर अंदर लड़ाई चल रही है इनके मन मन में, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये कभी मिल नहीं पाएंगी. एक चले एक हिंदुस्तान में रह जाएगी, एक पाकिस्तान में रह जाएगी, तो ये फिर कैसी लाइन बन जाएगी? पैरेलल लाइन. सो पैरेलल लाइंस आर दोस लाइंस व्हिच नेवर मीट, कभी नहीं मिल पाती, जो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन. जहां मर्जी एक्सटेंड करके ले जाओ इनको, दुनिया खत्म हो जाएगी पर ये मिलने को नहीं, मिलने का नाम नहीं लेंगी. ठीक है, इतनी ज्यादा तगड़ी लड़ाई होगी है. ठीक है, बट वन कंडीशन, दे विल मूव विद वन कंडीशन, डिस्टेंस एक जैसा ही रहेगा इन दोनों में. ठीक है, जितना डिस्टेंस इन दोनों लोगों ने बनाया आपस में उतना ही रहेगा. डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस रिमेंस द सेम. हमारी रेलवे ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस सेम होता है. अगर जिस दिन रेलवे ट्रैक का डिस्टेंस कम हो गया, अंदर बैठी हुई सारी सवारियां ऊपर चली जाएंगी. ठीक है ना, इसीलिए रेलवे ट्रैक जो डिस्टेंस है दैट रिमेंस द क्या बता दो, मैं भी हंस लूं थोड़ा सा. क्या बोला ऊपर 9C से सीधा 7C में. 7C तक ही रहना, ज्यादा ऊपर मत चले जाना. ठीक है, चलिए अभी आप लोगों की बहुत जरूरत है. चलो ठीक है, तो पैरेलल लाइंस आर दोस लाइंस व्हिच व्हेन एक्सटेंडेड दे नेवर मीट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेंस द सेम. ठीक है ईशान जी, पैरेलल लाइंस हमने कर ली. अब सब हमारे पास लाइंस पैरेलल नहीं होती, तब भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बट जब पैरेलल हो जाती हैं तब भी वही एंगल्स रहते हैं बट एक कंडीशन के साथ. लेट अस डिस्कस देम आफ्टरवर्ड्स, वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. अच्छा, ये जो पैरेलल लाइंस है ना, इनको काटने के लिए कोई लाइन आ सकती है. ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, कैसे मर्जी. एक ऐसी लाइन जो इन पैरेलल लाइंस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स से मीट करती है उसको हम बोलते हैं सारा पंगा ट्रांसवर्सल का है ना. ये ट्रांसवर्सल होती ना ही एंगल्स आते, ना ही एंगल्स आते डिफरेंट टाइप ऑफ. क्योंकि ये ट्रांसवर्सल आ गई इसलिए बहुत सारे एंगल्स भी आ गए, और अगर आगे है तो करने पड़ेंगे. वैसे तो गुरुपाल बड़े सुर से सुर मिलाता है मैम के, पर बात नहीं मानता मैम की ना, नहीं मानता ना बात. चलो
जब तो ये लाइंस पैरेलल नहीं थी तब भी ट्रांसवर्सल थी, जब कुछ नहीं था तब भी खुदा था ना, वैसे ही जब ये लाइंस पैरेलल नहीं थी ट्रांसवर्सल तब भी थी, एंगल्स तब भी थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल्स थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी थे, एक्सटीरियर भी थे, कॉरेस्पॉन्डिंग थे, सब तरह के थे। जब मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की धारे लुक एट द बोर्ड, जब मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करती हूँ तो मुझे लाइंस के बाहर देखने का कोई हक नहीं है। आई विल हैव द इंटीरियर पार्ट ऑफ द लाइंस एंड आई हैव टू डिस्कस द अल्टरनेट इंटीरियर, उनके नाम में ही उनका मतलब छिपा हुआ है, ठीक है। सो जैसे गुरुपाल का नेम का मतलब है जो गुरु की पालना करेगा, है ना, हर वक्त जो भी गुरु जी कहेंगे उसको पूरा पूरा करेगा, चाहे वो गुरु टीचर भी हो सकता है, ठीक है ना। आप अपने नाम को सार्थक नहीं कर रहे हो, कहीं मुझे बाई चांस कहीं मिल जाए ना, ऐसे कॉरिडोर में कहीं जाता हो, बड़ा ऐसे शो करेगा जैसे मैं बड़ा डर रहा हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट, ऐसे शो करेगा। चलिए, तो ये इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर ये रहे, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। अभी आएंगे, अभी अगली बात पे भी आएंगे। ये एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर्स। अगर हम बात करें 1 2 4 5 6 7 8 अगर मुझे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करनी है तो आई हैव नो राइट टू लुक इन द इंटीरियर ऑफ द लाइंस। मुझे लाइंस के इंटीरियर में देखने का कोई हक नहीं है। तो मैं तो एंगल्स डिस्कस कर रही हूँ, आगे आएंगे बात करेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो अगर मैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करूं, एंगल्स का टाइप तो बन ही रहा है ना, तो 2 and 7 दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर है, उधर से 1 and 8 अल्टरनेट इंटीरियर इन द इंटीरियर ऑफ द लाइंस, अल्टरनेट एक्सटीरियर इन द एक्सटीरियर ऑफ द लाइन। अब उसके बाद आए हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स जो एक दूसरे के साथ वाद विवाद संवाद संवाद कर सकते हैं, यानी कि आपस में बात कर सकते हैं। अब जो लोग ऊपर चले गए हैं अपनी उम्र वगैरह बिता के, वो ऊपर वाले लोगों से बातें करते होंगे, है ना। हम नीचे हैं तो हम नीचे वालों से बातें करेंगे। जिस दिन कभी ऊपर वालों ने नीचे वालों से बातें करनी शुरू कर दी ना, उस दिन फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। सो फिर क्या होगा, हम कहेंगे भूत आ गए, बस चलो देखो जरा। ऊपर वाले लोग हमेशा ऊपर वाले से बात करेंगे और एक साइड पे होके बात करेंगे, ये नहीं कि दुनिया जहान में सारी जगह पे, नहीं। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है ना, इसकी राइट साइड को देखो एंड टेल मी थ्रू टू एंगल्स जो लाइन के ऊपर ऊपर है, 1 and 6 उधर से कौन है ऊपर ऊपर। जब ऊपर वाले लोगों से बातें कर रहे हैं तो नीचे वाले नीचे से क्यों ना करें, करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पीरियड में नहीं करेंगे। 3 and 7 दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आगे बहुत सारे अभी और भी हैं, उनको भी देख लें फिर बात करेंगे। अभी जब हम वी ऑल हैव ट्रेवल्ड इन ट्रेन once or the another time, so the person who is sitting along with us, that is called our co-passenger, ठीक है ना। कई लोग बड़े दिमाग खाते हैं जो co-passenger होते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं ना, कई बड़े अच्छे co-passenger भी मिल जाते हैं हमें, ठीक है ना रितिका। तो यहाँ पे अगर हम co-passenger की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम co-interior and co-exterior की बात करेंगे। We will talk about co-interior and co-exterior। जो इंटीरियर भी है, अब एक बात याद रखना, जब भी मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डिस्कस करती हूँ मैं ट्रांसवर्सल की एक साइड को ध्यान में रख के करती हूँ, और जब भी मैं ये क्या कह रहे हैं उसको भी को इंटीरियर एंगल डिस्कस करूंगी तब भी मैं ट्रांसवर्सल की एक साइड को ध्यान में रख के। दिस इज ट्रांसवर्सल, ऑन इट्स वन साइड देयर लाई 3 and 6, 3 के साथ साथ गाड़ी में ट्रेन में 3 के साथ कौन बैठा हुआ है, 6। तो 3 and 6 आर को इंटीरियर, उधर से 4 and 5 को एक्सटीरियर, 1 and 7 उधर से।
So this is the type of angles when a transversal falls on two intersect two non-parallel lines. Then we say non-intersecting नहीं मुझे कहना चाहिए because they will intersect at certain point when we extend them. They are non-parallel lines. हाँ जी राघव जी देख लो बोर्ड में. अभी सब कुछ करेंगे अभी देखना ये इन सबको अभी ऐसे ही मतलब समय आएगा कि इन सबको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी. ये सब अमीर होने वाले हैं. दे आर गेटिंग प्रॉपर्टी. पैसा मिलने वाला है. अब क्या हुआ जो लाइनें कभी एफर्ट्स करके मिल सकती थी नाराज तो हुई पड़ी थी पर कभी मिल सकती थी वो इतनी नाराज होगी कि वो कभी मिल ही नहीं सकती. तो कैसी लाइंस बन गई लाइन चाहे पैरेलल नॉन पैरेलल से पैरेलल बन चुकी हैं पर एंगल्स वहीं के नहीं थे. एंगल्स वहीं के नहीं थे. बहुत सारे बच्चे नाइन्थ सी में आएंगे आ भी गए बहुत नाइन्थ सी को पढ़ा भी लिया हमने इतने सालों में. आज ये नाइन्थ सी है कल कोई और रहेगी. बच्चे आते जाते रहेंगे पर नाइन्थ सी ही रहेगी. ठीक है ना. आप भी आके कहा करोगे कि आज मैम अब नाइन्थ सी कौन सी है जब आप प्लस टू के बाद आया करोगे कि हम भी कभी नाइन्थ सी होते थे. वैसे ही एंगल्स वहीं के वहीं रहे लाइन्स नॉन पैरेलल से पर उन एंगल्स पे कुछ कंडीशन लगी. जरूरी थोड़ा कि जो अगली नाइन सी आएगी उसमें भी ऐसे ही शरारती बच्चे हों. अच्छे भी हो सकते हैं है ना. वैसे ही अगर पैरेलल लाइन नॉन पैरेलल लाइंस पैरेलल बन गई तो एंगल्स जो हैं उनको एक क्वालिटी मिल गई हर एंगल को. जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की क्या हो गए इक्वल. सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग गेट्स को इंटीरियर गेट सप्लीमेंट्री. को एक्सटीरियर गेट सप्लीमेंट्री. वो तो दो अभी अभी एक मिनट नवनीत को आ रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल याद तो इसको अच्छे से याद रखो. अगर हम इतनी लाइंस कंसीडर करें तो नेचुरली वो वर्टिकली ऑपोजिट आएंगे इंटरसेक्टिंग है. पैरेलल लाइंस के बीच में जब बंच ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस पड़ा है राजविंदर जी तो फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्यों ना ऑन आनगे. ठीक है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन इट डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से गिवन अजर्शन रीजनिंग केस स्टडी दैट which concept is there and which is to be linked and how to answer the question. Is it okay? So jitni bhi humne theory ki hai this is the basis of the chapter basic of the chapter. If you are not knowing this so samajh lo you are going to miss so many questions in the exam. Naturally itni terms itni definitions se bada bada chapter hame definitions ko acche se kar lena chahiye. Theek hai. First of all before proceeding we will do examples of the chapter. पूरे चैप्टर के examples करेंगे पहले. Look at page number 95. Example. अब एक चीज मैं और बता दूं जरूरी नहीं है. Yesterday was just searching out some assertion reasoning question. जरूरी नहीं है कि आपको assertion reasoning के question definition पे pasting है. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि assertion में किसी चीज की कैलकुलेशन सॉल्व करके आपको बताई होती है और रीजन में भी किसी चीज की कैलकुलेशन सॉल्व करके बताई होती है. इन दैट केस मोस्ट ऑफ द टाइम अजर्शन एंड रीजन दे आर नॉट लिंक्ड दे आर इंडिविजुअल. एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा. तो डोंट थिंक लाइक कि सारे अजर्शन रीजनिंग हमें डेफिनेशन बेस्ड ही है. दोनों ट्रू होंगे तो क्यों अगर दोनों ट्रू होंगे तो वही तो बात है. फिर हमें देखना पड़ेगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं. सेम बेटे कैलकुलेशंस अगर डिफरेंट है मेथड सेम ऐसे क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम हो जाएगा. क्वेश्चन फ्रेम करने वाला बंदा भी तो फिर टीचर है या कोई एक्सपर्ट है. देखते इधर शौक मिल रहा है आजा. चलिए हर्षित हर बात में अपना अपनी राय देनी अच्छी होती है
जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपकी राय जरूर लूंगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा लेंगे, एग्जाम्पल आपकी राय से करेंगे, ठीक है? चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तब कुछ बोलना नहीं है जब पढ़ने पढ़ाने की बातें होनी है। हर्षित मैं तेरे को बार बार कह रही हूँ, अभी भी टाइम है, जस्ट एनालाइज, एडजस्ट रियलाइज योर कैलिबर एंड कम बैक टू ट्रैक। अभी भी आप पास हो सकते हो अगर आप पूरी तरह से अपनी मेहनत, क्योंकि आप वो ऐसे बच्चे नहीं हो जो बिल्कुल ही मतलब पास ही नहीं हो सकता। प्लीज थोड़ा सा अपने आप ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे। देर आर टू लाइन्स, अच्छा अभी हमने जितना भी कुछ किया उसमें अंशिया ने एक बात बताई तो मुझे, मैंने भी इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दोबारा बताया। नॉन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज डैश, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, एंड पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज, ठीक है? ये अच्छी बात निकल के सामने आई है, आप तो सब कुछ बताते हो, आपकी क्या बात है? एंगल पी ओ आर, रेशो आर ओ क्यू इज 5:7, पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। यहाँ पे ना एक चीज मुझे लगता छूटी है, एक मिनट, हाँ पेज नंबर 90 पे देखो, मुझे लग रहा था एक डेफिनेशन छूटी है, पॉइंट्स देखे ना तो मुझे याद आया। If three or more points fly on the same line, they are called collinear. They are called collinear. And if they don't fly on the same line, they are called non-collinear. These all are collinear. Fly on a line. These are non-collinear because they are not same. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है? चलिए बेटे, विल कंटिन्यू टुमारो।